विधायक नरेंद्र ठाकुर ने अपने बहुचर्चित एक दिन एक पंचायत अभियान तहत रविवार को ग्राम पंचायत मैड़ के बल्ही, चौतड़ा, पांडवी और मैड़ गांवों में नुक्कड़ सभाएं की। नरेंद्र ठाकुर ने स्थानीय पंचायत वासियों की समस्याएं सुनी व मौके पर उन्हें सुलझाया गया। नुक्कड़ सभाओं के दौरान मैड़ पंचायत प्रधान मधु, उपप्रधान सुनील कुमार, ग्राम केंद्र अध्यक्ष अनंत राम वर्मा, बूथ अध्यक्ष किशन चंद व मनोहर लाल, मंडल अध्यक्ष रमेश शर्मा तथा महामंत्री सुरेश सोनी उपस्थित रहे। नरेंद्र ठाकुर ने नुक्कड़ सभाओं में समस्याओं के समाधान के साथ साथ आम जनता से भाजपा संग जुड़ने का आह्वान किया। मैड़ पंचायत में जनसंपर्क के दौरान विधायक ने सरकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में मौजूद भाजपा की सरकारें प्रदेश में समानांतर विकास के लिए संजीदा हैं और अपनी विकासात्मक नीतियों के कारण हिमाचल में सरकार फिर से सत्ता में आएगी। इसलिए उन्होंने जनता से सोच समझकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। और लगभग दो साल ऐसे गुजर गए कि हमारा आपस में संपर्क नहीं हो सकता। चाहती होगी जैसे आप मेरे पास आए या कहीं किसी काम के लिए मुलाकात हुई, इसके अलावा जैसे आज हम पब्लिक के तौर में मिले हैं, ये मौका जो है हमें दो साल में नहीं मिला। अब थोड़ा कोरोना का कम हुआ है तो हमने दोबारा शुरू किया। कल हमने एक पंचायत की और आज पूरा दिन आपकी पंचायत में हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को रखने का हमारा एक मकसद ये भी है, क्योंकि मेरे पास आते हैं या कहीं हम एक जगह मीटिंग रखते हैं तो गिने चुने लोग वहाँ पर जाते हैं। हमीरपुर से आपका फैसला टीवी के लिए ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।